अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक पबजी का थका हुआ गेम प्ले। तो कल वीडियो इसलिए नहीं आई, दो दिन में एक वीडियो आती है, कल इसलिए नहीं आई क्योंकि मैं बता रहा हूँ मैं हूँ थोड़ा शहर से बाहर, मतलब बाहर मतलब कि किसी और शहर गया हूँ मैं, घर पे नहीं हूँ मैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा बाहर हूँ। थोड़े से मामलात हैं जिनको बहुत टाइम से मुझे देखना था, तो बस अब मैंने बोला डन ही करते हैं इनको। तो शायद एक दो दिन तक और वीडियो ना आए, पर ये वीडियो स्पेशल आप लोगों के लिए, मेरे सब्सक्राइबर के लिए स्पेशली, ठीक है। दूसरी बात, माइक का थोड़ा सा इशू ये हो रहा है कि आवाज़ आएगी पीछे से, उसको प्लीज़ इग्नोर करना और कंटिन्यू करना। एक और बात, उन सब्सक्राइबर्स के लिए जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो पर सब्सक्राइब किया है इस चैनल को, स्पेशली आप सबको, मेरे 140 सब्सक्राइबर को थैंक यू स्पेशल, लेकिन एक ख़ास तरीके का एक बड़ा बड़ा वाला जो थैंक यू है ना, वो उनको जिन्होंने पिछली वीडियो पे किया है। कि वो टाइम ऐसा था कि जब सब्सक्राइबर बिल्कुल भी नहीं थे, तो आपने किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ऐसा सीन है, हम आ चुके हैं, मेरा भाई मेरे साथ खेल रहा, हम दोनों खेल रहे थे, एक बॉट आता है और बॉट आएगा, लुका छुपी खेल रहा था दरअसल, समझे। तो दो बॉट मारे, स्प्रे की आवाज़ आ गई कितनी ख़तरनाक आई, और किल फील्ड में नाम भी धड़ाधड़ आए हैं। अब बंदे हैं सामने, समझ रहे हो, दिखाता हूँ मैं, ये रे बंदे सामने वाले ब्लू वाले घर में, ये सर जाता हुआ दिखा, ये दूसरा बंदा जा रहा, लो था तो नॉक करने के बाद मैंने इतना डाउन कर दिया कि ये मर गया, क्योंकि ये पहले भी एक दो बार नॉक हुआ था जब एकदम से ये ब्लीड आउट हो गया, मर गया। अब बंदा है सामने, वो हमको आराम से देख रहा है, वो तो बाहर निकलेगा नहीं क्योंकि वो अकेला बच गया, हम दो हैं। तो मैंने बोला भाई देख, कवर टू कवर चलते हैं, मैं पहले सामने गाड़ी का कवर लूँगा और फिर तू उसके आगे से चल लो, समझ गया। मैं गया गाड़ी तक, रुका, सबर किया, मेरा टीममेट जिसको बेट बनाया इसकी पिंग हाई थी बीपीएम को, ये आगे गया, जैसे ही आगे गया धड़ाधड़ हेड शॉट्स, लाइक नहीं करना इसके लिए क्योंकि आगे इससे भी अच्छा एक क्लच है। थैंक यू वेरी वेरी मच मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, यकीन करो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। मैं सिंपली लूट कर रहे हम दोनों, वो अलग है मैं अलग हूँ थोड़ा सा दूर। तो इतनी देर में साउंड आता है और फिर गोलियाँ चलती हैं और मेरा टीममेट हो जाता है नॉक, और नॉक के बाद हो जाता है फ़ौरन से फिनिश। ये बंदा बहुत अच्छा खेलने वाला था, एम के सौतेली बहन है ये, एम के 14 की, एम के 12, ये इसके हाथ में थी, इसीलिए ही ये मुझे नहीं मार सका। दूसरा बंदा और टक करके M762 मेरे पास थी, इसलिए मैंने उसको मार दिया। M4 होती मैं मार ही नहीं पाता, क्योंकि 7 की जो गन होती है ना, ये खास तौर पर बनाई इसलिए गई क्लोज रेंज फाइट के लिए। तो याद रखना, हमेशा क्लोज रेंज के लिए बैरल या कोई ऐसी 7 की एमओ यूज़ करो गन। तो भाई इसलिए अब लाइक कर दो और कमेंट करो, और शायद एक दो दिन तक वीडियो ना आए, फिर हम इंशाल्लाह रेगुलर चलेंगे जैसे अपन चलते थे। ये मैंने खुद जूम करा स्कोप पे आके, यहाँ पे चल रही दो डोज की फाइट, देखो इस तरफ अलग है राइट साइड पे, ये राइट साइड, हाँ ये अलग है, ये लेफ्ट साइड से जो है ये अलग है। इसने एक को नॉक कर दिया, उसका एक नॉक है, दोनों का एक नॉक है, और फिर राइट साइड वाले ने लेफ्ट साइड वाले को मार के ख़त्म कर दिया। अब एक नॉक है और एक लो है जो कि क्लोज रेंज फाइट हुई थी, ये तीसरा बंदा है जो थर्ड पार्टी करेगा उस पर कर रहा है। तो मुझे उसकी हल्की सी बॉडी दिख रही थी, एक दो किल चुराया, बड़ा मज़ा आया, किल चुराया बड़ा मज़ा आया। तो ये बड़ा मज़ा आया था मुझे ये करके। अब 9 किल हो चुके हैं मेरे, दो ही बंदे बचे हैं और बहुत कवर टू कवर खेलने वाले हैं। पहले तो एक को हल्का सा डैमेज दिया, और इसकी तो मैंने प्रॉपर वेस्ट तोड़ी है, वेस्ट हेलमेट ख़त्म कर दिया था इसका। वीडियो फास्ट फॉरवर्ड, टाइम पास नहीं करवाना तुमसे, ठीक है, वीडियो दिखानी एक। तो एक बंदा जो कि यहाँ पे टीपी भी ले रहा है, और फिर हिम्मत में थोड़ी सी हेड पे हेड, हैकर, नो सर, हेड पे हेड, इसको भी हेड पे हेड ही मारे। और लाइक कर देना प्लीज़, बड़ा मज़ा आ रहा है, बहुत थका हुआ हूँ मैं यार, बस अल्लाह करे पबजी जल्दी से बैन हो जाए, तो फिर एक प्रॉपर टीम में आएंगे। ये बंदा बेचारा रिवाइव लेने जा रहा है, उसको मारा, अब वो एक ही बचा और वो वहाँ से आ नहीं रहा है, वो सामने आ चुका है, मुझे नहीं पता कैसा है पर वो आ गया। अब वो तो रश कर नहीं रहा, तो मैं जल्दी ख़त्म कर रहा हूँ, मुझे करना ही सामने कोई मौका दे ही नहीं रहा मैं सर।
अब मुझे अचानक याद आता है कि मेरे पास है 3 स्मोक्स, अभी मैं घर तो ले जाने से रहा, तो मैं बोला क्यों ना हम हर विंडो हर दरवाजे पे स्मोक कर दें ताकि कवर उसका कंप्लीट ब्लॉक हो जाए, वो देख ही ना पाए। और ये बाजी पते वाली है ये, ठीक है, दोनों विंडोज फिर छत से, तो बस अब रश करना बनता है। पहले जोन के करीब से गए और फिर बंदे की साउंड आया, बोला यहाँ पे, और तो बंदा फिनिश कर जी विदाउट आई टुक एनी बुलेट ऑन मी। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत सारा ख्याल रखना और बस सब्सक्राइबर बढ़ाओ यार, लाइक्स करवाओ वीडियो पे, समझ रहे हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखना अपना, अल्लाह करे पब्जी जल्दी से अनबैन हो जाए।